Hello students, welcome back to Career Couch with Shubhankar. तो students, हम लोगों ने पिछले एक साल में कई ऐसे संस्थाओं में विजिट किया और वहाँ पे साइकोलॉजिकल सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस और करियर काउंसलिंग सेशंस के द्वारा आपसे मुलाकात किया हम लोगों ने. तो जब हम स्टूडेंट्स से मिलते हैं तो हमें स्टूडेंट्स द्वारा ही पता चलता है कि स्टूडेंट्स को कितने प्रकार के स्ट्रेस है, कितने प्रकार के दबाव में है और कितना फियर है उनमें. अगर मैं फियर की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स है, ओवर एक्सपेक्टेशंस है, कभी फैमिली की, कभी नेबर्स की, कभी सिबलिंग्स की और कभी पीयर प्रेशर. तो यही प्रेशर्स के और ये फियर के ऊपर बात करते करते हमें लगा कि आज हमें कुछ ऐसे एक एपिसोड आप स्टूडेंट्स के लिए लाना चाहिए जहाँ पे ये जो प्रेशर है, ये जो स्ट्रेस है, इसके ऊपर हम आज बात कर सकें. क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, 10th and 12th के लिए बोर्ड्स का प्रेशर एक बहुत ऐसा प्रेशर है जिसमें जो है हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं एक फियर आ जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको एक दबाव महसूस हो रहा है. तो हमने यही सोचा कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट को हम आज स्टूडियो में, आज हमारे एपिसोड में हम इनवाइट करते हैं और क्यों ना हम बात करते हैं इन्हीं सब फियर्स के ऊपर, स्पेशली जो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर है आप स्टूडेंट्स पे, उस पे भी हम बात करेंगे और देखते हैं ये जो साइकोलॉजी एज अ करियर कैसा है, इसके लिए भी हमारी एक्सपर्ट आज हमें ज़रूर बताएंगे. और स्टूडेंट्स, उसी के साथ साथ हम आपसे ये भी बात करना चाहते हैं कि खाली एग्ज़ाम्स को लेके नहीं, अभी जो 12th के बाद जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का एक जो प्रेशर आता है, एक जो सिलेक्शन में बहुत सारी कन्फ्यूजन आता है, उसको किस तरीके से डील करना है. बिकॉज ये जो आपका जो अब करियर आप चूज़ करने जाएंगे वो आपके साथ सालों साल चलता रहेगा और ये जो 10th and 12th के मार्क्स है ये भी ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहेगा. तो एज अ करियर काउंसलर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी बहुत सोच समझ के स्टूडेंट्स सिलेक्ट करिए आप लोग, और कुछ ऐसे कोर्सेज जो आपके पैशन का हो, जो आपके इंटरेस्ट का हो, किसी के कहने पे मत जाइए. आप खुद चूज़ करिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, फिर उसके ऊपर आप रिसर्च करिए कि वो कोर्सेज किस किस यूनिवर्सिटी में है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो ये कोर्सेज है क्या एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्या आपको एक अच्छा एम्प्लॉयबिलिटी भी दे सकता है कि नहीं. तो इसी के लिए बहुत ध्यान से आपको चूज़ करना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़. एक 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन ज़रूर करिए और उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके प्लीज़ चेक करिए कि आपको कितनी गारंटीड एक प्लेसमेंट वहाँ पे मिल सकता है. एज अ करियर काउच टीम हमारी यही कोशिश है कि अगले एपिसोड्स में हम आपको ऐसे कोर्सेज के साथ पहचान कराए, हम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कराए जहाँ पे आपका जो ये कोर्स सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन है वो 100% गारंटीड एक करियर ओरिएंटेड कोर्स हो. और एज अ करियर काउंसलर होने के नाते मेरा आपसे यही सुझाव है कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन करें तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में देखिए कि वहाँ पे कोर्सेज एम्प्लॉयबल स्किल्स के साथ है कि नहीं. मतलब ऐसे कोर्सेज जो आप कंटिन्यू करेंगे आगे के करियर के लिए, उसमें क्या ऐसे भी कुछ एड ऑन सर्टिफिकेशंस आपको मिल रहा है कि नहीं जो आपके डिग्री के ऊपर और ज़्यादा वेटेज दे. तो हाँ, ज़रूर हम ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ और ऐसे कुछ कोर्सेज के लिए आपसे अगले कुछ एपिसोड में ज़रूर आपको एडवाइस देंगे. तो हाँ दोस्तों, आज हमने इन्हीं सब बातों पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर नेहा आनंद जी को, जो कि एक साइकोथेरापिस्ट है, एक काउंसलर है, एक करियर काउंसलर भी है, एक पेरेंट कोच भी है और आई थिंक एक एक्सपर्ट है, एक स्टूडेंट एक्सपर्ट है जो आपकी प्रॉब्लम्स को देख रही है, क्योंकि वो एक स्टेट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है. अगर मैं नेहा जी की बात करती हूँ तो ऐसे कई सारे अवार्ड्स के साथ उनको फेलिसिटेट करा गया है क्योंकि एक वन ऑफ द वुमेन अचीवर्स में से है वो, और शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ बोधी ट्री इंडिया. तो चलते हैं शुभांकर जी के पास और
कुछ ऐसे ही बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आज डॉक्टर नेहा आनंद जी से। बिल्कुल ठीक कहा शिमुल, जैसे जैसे एग्जामिनेशन निकट आता जा रहा है, बच्चों के ऊपर दबाव और तनाव दोनों ही बढ़ता जा रहा है। होता यह है कि एग्जामिनेशंस को जब हम रिलेट करने लगते हैं कि भाई आगे हमारा करियर पूरा दांव पे लगा हुआ है, भाई अगर इंटरमीडिएट अगर अच्छा नहीं होता तो फिर आप एग्जामिनेशंस कितने भी दे लें, आगे जितने ही कंपटीशंस दे लें, उसमें कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शंस के जो दायरे होते हैं वो कहीं ना कहीं सीमित होने लग जाते हैं। तो इसका एक दबाव होता है, पेरेंट्स अलग से आशा रखते हैं बच्चों के ऊपर, पीयर प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, बच्चा खुद अपने जो एक्सपेक्टेशन खुद से है उसका तो नंबर ही नहीं आ पाता। खैर, इन्हीं सब बातों की वजह से आज डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। डॉक्टर नेहा आनंद हमारे साथ स्टूडियो पे करियर काउच शुभांकर पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त से अपना हमारे लिए समय निकाला और आप हमारे ऑडियंस को ये आप बताने जा रहे हैं कि एग्जामिनेशंस को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं। जी। क्या है ये मेंटल हेल्थ? एक लेमैन के दायरे में एक आम आदमी कैसे सोचता है और डॉक्टर नेहा आनंद कैसे सोचती है? जी, सबसे पहले तो एक जो मिथ्या है मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई, थोड़ा सा मैं उसको दूर करती हूँ। मेंटल हेल्थ को बेसिकली लोग किसी बीमारी या पागलपन से जोड़ देते हैं, जो आज भी एक स्टिग्मा ही हम कह सकते हैं, टैबू है। लेकिन देखिए, मेंटल हेल्थ होती क्या है? मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल हेल्थ दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। डिसऑर्डर का मतलब कोई भी चीज़ जो ऑर्डर्ड नहीं है, या किसी तकलीफ में, या कोई बीमारी, कोई न्यूरोलॉजिकल चीज़ हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है। मेंटल हेल्थ जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप अपनी चीज़ों को कैसे आगे टेकअप कर रहे हैं, आप लाइफ में ग्रो कैसे कर रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, आप कितने खुश हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आप कैसे अपने डिसीजंस को कितना स्ट्रांगली टेकअप कर पा रहे हैं, ये सारा कुछ मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग किसी समस्या से जूझ रहे हैं या एबनॉर्मैलिटी के एक बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, या शायद एबनॉर्मैलिटी भी है, तो वो मेंटल हेल्थ के अंडर आती है, वो मेंटल डिसऑर्डर आप कह सकते हैं। लेकिन हम सब की मेंटल हेल्थ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छी करनी है तो एक मनोवैज्ञानिक आपको जीने का रास्ता या जीने के ढर्रे, एक पैटर्न सिखा सकता है, ये मेंटल हेल्थ है। मैंने एक डॉक्टर अवतार की एक साइकोलॉजी के ऊपर बुक पढ़ी थी, जिसपे एबनॉर्मल साइकोलॉजी पे उन्होंने लिखा था जी। जब उन्होंने कहा था कि नॉर्मल साइकोलॉजी एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट, एवरीवन इज हैविंग डिफिकल्टीज एंड हैज इज अ विक्टिम ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्या ये सच है? क्या हम सब एक पेशेंट है कहीं ना कहीं? देखिए, साइकोलॉजी के तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, हम अलग अलग स्कूल्स को फॉलो करते हैं। मैं बेसिकली शायद इस बात से तारुफ नहीं रखती हूँ, क्योंकि एबनॉर्मैलिटी कहीं ना कहीं एक लाइंस ड्रॉ करती है कि आप नॉर्मल सोशल नॉर्म्स के साथ चल रहे हैं या नॉर्मल सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट चल रहे हैं। यानी कि मान लिया कोई मेरी सोच ऐसी है कि मुझे किसी को जान से मार देना है, ये एबनॉर्मैलिटी है, ये एक नॉर्मल सोच नहीं है कि आप दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दीजिए। लेकिन अगर मुझे, मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि ओहो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आ जाएगा, मेरी सेंसिटिविटी आ जाएगी, जो संवेदनशीलता है मेरे अंदर वो मुझे रोकेगी इस चीज़ को करने के लिए, तो ये नॉर्मल सोच है। तो हर कोई एबनॉर्मल है, मैं शायद इस बात से तारुफ नहीं रखूँगी। लेकिन हाँ, देखिए, सारी जिंदगी, साइकोलॉजी इज़ एवरीथिंग, साइकोलॉजी सब कुछ है। हम जो खाना खाते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक का जो पैटर्न हमारा है, वो हर एक चीज साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। राइट जी। मैम, एक चीज जब आपने ये बात कही कि नहीं, एबनॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी में एक अंतर है जी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में भी गुस्सा आता है जी, राइट जी। हम दुखी भी हो जाते हैं कभी कभी, बिना किसी कारण के हो जाते हैं, बिल्कुल, राइट बिल्कुल। जब ऐसी बातें होती हैं तो वो भी तो एबनॉर्मलिटी में आता है जी। बहुत अच्छा सवाल है शुभांकर जी। देखिए, क्या है कि हम सबके अंदर इमोशंस होते हैं जी।
और कुछ इमोशंस हेल्दी होते हैं, कुछ इमोशंस अनहेल्दी होते हैं, लेकिन नॉर्मल है। अगर एक ढांचा है हमारे पास, एक शरीर है, एक ब्रेन है, एक दिमाग है, तो हमारा एक छोटा सा मटर के दाने के जितना, जिसको हम एमिग्डाला बोलते हैं, वो यहाँ पे होता है ब्रेन के पीछे के हिस्से में, जो इमोशंस जेनरेट करता है। और हर इमोशन नॉर्मल होता है, वो नेगेटिव इमोशन भी और पॉजिटिव इमोशन भी। तो गुस्सा, जैसे कि आपने बोला, गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है। यदि गुस्सा नहीं आएगा तो हम नॉर्मल इंसान काउंट नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि गुस्से को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आप उस गुस्से को चैनलाइज करते हैं, ये चीज स्किल के अंतर्गत आती है। तो गुस्सा भी एक नॉर्मल इमोशन है, वो एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन हाँ, उसको दिखाने के हेल्दी वेज कैसे होते हैं, तभी हम हेल्दी और अनहेल्दी इमोशंस की बात करते हैं। बिल्कुल मैम। अब क्योंकि बात हम लोगों ने कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से शुरू की, और ये बातें सब कुछ हैं कि भाई बच्चों की तरफ हम ज्यादा आधारित होते हैं, तो अभी एग्जामिनेशंस बहुत निकट है जी, बच्चों पर दबाव बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे एग्जामिनेशंस सामने आते जाते प्रेशर बहुत बढ़ता चला जाता है। क्या कोई ऐसा कोई रास्ता कुछ है जहाँ पे वो प्रेशर आसानी से हैंडल हो सके, वो बच्चा इतना टेंशन में ना आए, वो एग्जामिनेशन खुले मन से दे, देखा जाएगा फल कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहने में तो अच्छा लगता है, हम भी बोल देते हैं जी, तो कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, परीक्षा का समय जो होता है, वो अभी माननीय मोदी जी ने जैसा कि बोला कि एक त्योहार के रूप में इसको हमें मनाना चाहिए। मुझे लगता है एक बच्चा इस सोच को तब तक इनकलकेट नहीं कर सकता है, तब तक इस सोच के साथ नहीं परीक्षा दे सकता है, जब तक कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि टीचर्स, पेरेंट्स, समाज, उनके दोस्त, घर वाले, जितने लोग हैं, यदि वो इस सोच को पनपने ही नहीं देंगे, तो बच्चा किसी भी परीक्षा को त्यौहार की तरह नहीं ले सकता है। अब ये देखिए कि परीक्षा का समय इतना भारी क्यों होता है बच्चों के ऊपर? वो इसलिए होता है कि बच्चों के अपने एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि भाई हमें अच्छा करना है। बिल्कुल। पेरेंट्स किस चश्मे से देखते हैं बच्चों को, कि हमारी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो उन इच्छाओं को बच्चों के जरिए पूरी करते हैं। बिल्कुल। कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया या मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, ये तो मेरा बच्चा करेगा, मेरे सपने पूरे करेगा। तो इतने एक्सपेक्टेशंस जब पेरेंट्स उड़ेल देते हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो बच्चा क्या करता है, उन बैगेजेस को ढोता है अपने कंधों पर, और इतना भारी बक्सा होता है उसके कंधे पे कि वो परीक्षा देना तो बहुत दूर, वो जब पढ़ने बैठता है तो पढ़ाई के अलावा वो इन सब बातों में उलझ के रह जाता है। तो वो एजुकेशन या नॉलेज के लिए नहीं पढ़ के अंकों की दौड़ में हिस्सा लेता है। Exactly. कि मुझे कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर मेरा इतना नहीं आया बोर्ड्स में तो कट ऑफ इतनी टफ है, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो एक चेन ऑफ थॉट्स, ब्रेन जो है ना, वो चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट करता है। एक थॉट हजारों थॉट्स को जेनरेट करता है। Right. तो वो उस जाल में फंस के रह जाता है। फिर कुछ बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हम पढ़ते टाइम लॉस्ट हो जाते हैं। इसी वजह से वो लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोच उन पे इतनी हावी रहती है, और फ्यूचर का डर, फियर ऑफ फेलियर इतना हावी रहता है कि पढ़ने से ज्यादा वो उस फेलियर में ही उलझ के रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा नेहा जी, एक चीज और है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि शिमुल ने भी बताया कि हम लोग जब सेशंस में जाते हैं तो बच्चों से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे एक बात जरूर बताते हैं, और एक कॉमन फैक्टर है, अगर हम भी अपने बचपन में चले जाएं तो एग्जामिनेशन का मेन डर क्या था, वो था कि अरे जब पेपर खोलेंगे वो समय पे याद आएगा कि नहीं जी, मैंने याद तो सब कुछ कर लिया, क्योंकि अभी होड़ लगी होती है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना है जी, और फिर उसमें से याद करना है किसी तरीके से, अपने आप में प्रेशर जी, तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, हमारा जो शरीर है, हमें भूख हर किसी की अपनी इंटेंसिटी होती है, हर किसी को अपने तरीके से लगती है। मान लिया मुझे दिन भर में 4 रोटी की भूख है ऑल टुगेदर, तीनों टाइम का, और अगर मैं साल भर का खाना एक साथ खा लेती हूँ तो शायद मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कैपेसिटी से बाहर है। बिल्कुल सही। इसके लिए डेली थोड़ा 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 यदि शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगी। एग्जाम में एग्जैक्टली यही होता है। जो बच्चे साल भर, यदि 1 घंटा 2 घंटे आप साल भर पढ़ लेते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप इतना सारा हॉग करिए, यानी कि एक साथ इनटेक करिए। दूसरी चीज, बिना प्लानिंग के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, साल भर का एक साथ रिटेन कर रहे हैं,
तो रिट्रीवल कैसे होगा उसका, यानी कि आपको प्रोड्यूस आपका आउटकम क्या होगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो ये समझना ज़रूरी है कि आप प्लान करिए किस तरीके से आप, मान लिया पोटेंशियल है कि मैं 2 घंटे ही एक साथ बैठ के पढ़ सकता हूँ, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, तो डेली 2 घंटे पढ़िए उसको। इसके अलावा एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, 3 तरह के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। तो कई स्कूल्स में मैंने सुना है बोलते हुए कि ये तो विजुअल लर्नर है, ये तो ऑडिटरी लर्नर है, ये किनेस्थेटिक लर्नर है, ऐसा नहीं है। हम तीनों के अंदर ये तीनों लर्निंग स्किल्स होती हैं। बिल्कुल, जो भी आप पढ़ रहे हो आप तीनों को यूटिलाइज करो, यानी कि पहले बोल बोल के पढ़िए, उसके बाद उसको जब आप बोलेंगे तो आपको आवाज सुनाई भी देगी अपनी, तो वो डीपली ब्रेन रजिस्टर करेगा, और उसके बाद उसको लिखिए टाइम मैनेजमेंट के साथ। अपने आप को एक टाइमर दीजिए, एक स्लॉट दीजिए कि इतनी देर में मुझे ये लिखना है, तभी आप उस चीज को एग्जाम के टाइम में प्रोड्यूस कर पाएंगे। लिखने की आदत यदि नहीं बनेगी तो आप प्रोड्यूस भी नहीं कर पाओगे, आउटकम आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि साल भर कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट होना, और एक साथ साल भर का खाना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके चलिए, तभी आप उसको एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आपने देखा यही बात है कि एक साथ खाना आप अगर खाएंगे तो अपच हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई इसको अपच मत बनाइए, आप उतना लोड ले लोगे एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है। और अब जब समय कम है और आपने कुछ चीज़ अगर नहीं पढ़ी है उसके ऊपर अगर आप पूरा लोड डालेंगे कि अब पूरा चीज़ अब पढ़ लूँ, वो संभव नहीं है। आपने जो पढ़ा है उस पर आप ज़्यादा चीज़ें कर लीजिए, और जो आपने नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा कवर अप में ले सकते हैं, उस पर ज़्यादा बोझ ना डालें, नहीं तो आपने जो अच्छे से याद किया है उस पर भी आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। रिविजन के लिए जरूर से समय मैनेज करें, यही बात शायद आपने बताई जी। तो मैम ये बात थी जिसको हम मेमोरी रिटेंशन कह रहे थे, या हम उस समय पे हम जो प्रोड्यूस कर पाते तुरंत जो हमने याद किया और तुरंत हमने लिख लिया, बच्चे ये करने में दिक्कत होती है। लेकिन एक चीज़ और है, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए माता पिताओं में भी एक होड़ लगी हुई है, अचानक एक टर्म बहुत ज़्यादा आने लगा है, टर्म छोड़िए एक प्रोडक्ट ही पूरा बन गया, मेमोरी बूस्टर जी। मैंने तो कभी बचपन में कभी नहीं सुना था ऐसे भी कोई चीज होता है जी। कि कोई चीज पहले क्या हो जाता था ना, घोल के नहीं खिला सकते, अब तो उसकी होड़ लगी हुई है, मेमोरी बूस्टर खिलाया जा रहा है बच्चों को। क्या है ये मेमोरी बूस्टर? हमारे टाइम में बोला जाता था कि ऐसी कोई घुट्टी नहीं आती है, तो ये एक टर्म होता था, लेकिन आज की डेट में मेमोरी बूस्टर को अगर हम बोले तो हिंदी में घुट्टी ही बोलेंगे जी, जी। तो क्या है कि ये जेनरेशन भी शॉर्टकट चाहती है, और माता पिता कोई ऐसा जादू की छड़ी चाहते हैं कि भाई अगर हमारा बच्चा, मान लिया उसके अंदर मैथमेटिक्स का पोटेंशियल नहीं भी है, नहीं उसको समझ आती है, तब भी उसको 99% आना चाहिए। तो यहाँ पे आती है इन सब चीजों की सेल। सेल क्या है, देखिए मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट को पता है कैसे कौन से कंज्यूमर्स हैं जहाँ पे हमको हिट करना है। तो एग्जाम टाइम एक सबसे बेस्ट टाइम होता है जब इन मेमोरी बूस्टर्स का टाइम आता है, कि भाई आप वो 3 इडियट्स मूवी में था ना कि चूरन खाते थे किसी बाबा का और मेमोरी बढ़ जाती थी, तो ऐसा कोई चूरन नहीं आता है, बल्कि आप देखिए एग्जाम टाइम में स्ट्रेस में बच्चे कफ सिरप्स पीने लगते हैं, वाइटनर का यूज बहुत बढ़ जाता है, और भी बहुत चीजों का यूज बढ़ जाता है, जिससे थोड़ा सा एंजाइटी को आप टेम्परेरली शांत करते हैं, और ये एक ड्रग अब्यूज होता है। तो सब्सटेंस अब्यूज बच्चों में इस वजह से भी बढ़ रहा है क्योंकि माता पिता बहुत ज्यादा लोड बच्चों पे डालते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपके बच्चे के भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें उसके स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ चीजें वीकनेसेस हो सकती हैं कि मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, साइंस अच्छा नहीं है, लेकिन ये कोई घुट्टी नहीं है कि ऑटोमेटिकली उससे आपका बच्चा सम्स या प्रॉब्लम्स क्रैक करने लगेगा, सम्स अच्छे से सॉल्व करेगा। लेकिन मैम मैं इसी बात पे कहूंगा, लेकिन ये है क्या मेमोरी बूस्टर्स? देखिए ये मेमोरी बूस्टर्स कुछ भी नहीं होते, अगर आप टेक्निकली बात करिए तो ऐसी कोई दवा नहीं होती है जो मेमोरी को बूस्ट कर दे। टेक्निक्स हो सकते हैं जिनमें से एक टेक्निक का नाम है निमोनिक्स, जिसको हम लर्निंग स्ट्रेटजीज में और हम बताते भी हैं कि मेमोरी को कैसे एनहांस किया जाता है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको एक मैथ्स का प्रॉब्लम सम नहीं आ रहा है, तो क्या कोई ऐसी दवा है जो आपको पिला करके वो मैथ्स का सम सॉल्व कर दे? तो बिहेवियर किसी भी दवाई से चेंज नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ प्रैक्टिस और स्किल्स के थ्रू चेंज किया जा सकता है, चाहे वो मेमोरी हो, रिटेंशन हो, रिट्रीवल हो, इसके लिए आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। निमोनिक्स ज्यादा होते होंगे फिर तो,
इसका देखिए सब्सटेंस जहां पे नाम हमने ले लिया कि सब्सटेंस अब्यूज है तो ड्रग इंड्यूस सिम्टम्स भी होंगे तो इसके रिएक्शंस बहुत खराब हो सकते हैं जो आपको कुछ टॉनिक्स हैं भाई टॉनिक अगर आप मान लिया कैल्शियम ले रहे हैं या आयरन के लिए ले रहे हैं तो समझ आती है लेकिन अगर कोई आपको ये क्लेम करता है कि ये आपके ब्रेन को बूस्ट कर देगा तो ये फॉल्स क्लेम्स है आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो दोस्तों यही बात मैं एक डॉक्टर के मुंह से आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि ये जो मेमोरी बूस्टर्स की यूज होती हैं और इस समय बहुत ज्यादा एड्स आने लगी हैं आप सोशल मीडिया पे जैसे ही जाते हैं अचानक मेमोरी बूस्टर्स की बात होने लग जाती है प्लीज इसके चक्करों में मत पड़े आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा रिलाई करें कॉन्फिडेंट फील करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब ये सब तो बातें थी मेंटल हेल्थ कैसे हेल्थ मेंटेन किया जाए किस तरीके से बच्चे एग्जामिनेशंस में अच्छा करें ये सारी बातें हैं लेकिन कुछ बात करते हैं साइकोलॉजी एज प्रोफेशन के ऊपर। अब आपके प्रोफेशन की बात आती है तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आप जैसा बनना चाहते हैं राइट आपको क्या लगता है कि आने वाला जो समय है क्या वाकई अब इस लाइन में दम है इसके लिए जगह है काफी देश को जरूरत है कितनी नीड है क्या डिमांड सप्लाई गैप है इस समय कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए डिमांड अब सरकार भी समझ रही है इस साल बजट में मेंटल हेल्थ के बजट को इंट्रोड्यूस किया गया है और 24/7 मेंटल हेल्थ काउंसलिंग स्टार्ट की गई है ऑल ओवर द नेशन तो नीड तो यहीं से समझ आ जाती है कि क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ हमारा देश हैप्पीनेस इंडेक्स पे 152 या 53 पे है आई थिंक और सबसे ऊपर है स्वीडन नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया और कुछ कंट्रीज हैं तो क्यों हैप्पीनेस कोशेंट इतना कम है हमारा हमको समझने की जरूरत यह है जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि मेंटल हेल्थ का कोई भी डिसऑर्डर से लेना देना नहीं है। अगर हमारा देश खुश नहीं है यानी कि मेंटल वेलबींग पे फोकस नहीं कर रहा है तो हैप्पीनेस इंडेक्स इसी वजह से इतना कम है। नेपाल इतनी छोटी कंट्री है वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया से बहुत ऊपर है। अच्छा तो हमको ये समझना पड़ेगा कि खुश रहना है तो मनोवैज्ञानिक से तो मिलना पड़ेगा क्योंकि वो आपको खुश रहने के रास्ते बता सकते हैं और क्योंकि ये उनकी स्पेशलिटी है उनका ही ये दायरा है रहना है। अब आते हैं इस करियर पे देखिए साइकोलॉजी एज अ करियर आज की डेट में अगर आप बात करें तो अमेरिका में हाईली पेड जॉब साइकोलॉजिस्ट की एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा आपको जान के हैरानी होगी जी बिल्कुल। तो इंडिया में भी अब मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो 5000 रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। अब आप ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा और सिर्फ 5000 साइकोलॉजिस्ट हैं तो बर्डन समझ में आता है टेक्निकली और इकोनॉमिक्स का एक है ना कि हायर द नीड हायर द डिमांड तो नीड जहां बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ी है कोविड के बाद के बाद ये एक और पैंडेमिक है यानी कि हर तीसरा इंसान आज की डेट में WHO के हिसाब से डिप्रेशन में और अगर हर तीसरा इंसान डिप्रेशन में है तो यानी कि हर तीसरे इंसान को एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत है और अब आंकड़े आप देख सकते हैं तो फीस भी ज्यादा है। जिन लोगों को लगता है इस करियर में मेरे पास कई बच्चे आते हैं कि मैम क्या हम अर्न कर पाएंगे अगर हम नीट करते हैं नीट के थ्रू मेडिकल में जाते हैं या फिर जी के थ्रू हम जेई क्रैक कर जाते हैं तो हमारी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट पिछले अगर 5 सालों में आप डेटा निकाल लें तो जो UPSC एस्पायरेंट्स हैं जितने भी टॉपर्स हैं सबने साइकोलॉजी लेके टॉप किया है जितने भी 12th टॉपर्स हैं सबने साइकोलॉजी लिया है जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें साइकोलॉजी जल्दी किसी को नहीं मिलता है बिकॉज कट ऑफ बहुत ज्यादा है। तो साइकोलॉजी एज अ प्रोफेशन जो लेना चाहते हैं बहुत ज्यादा ब्रिलियंट करियर है इसमें और मेरे ख्याल से मेडिकल और इंजीनियरिंग से ज्यादा देयर इज एन ओशन ऑफ करियर्स। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा भाई आपने PhD किया जी राइट तो क्या ऐसा है कि जब तक PhD ना करे तब तक उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो अफेक्टेड हो जाती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए PhD मैं अप्लाइड साइकोलॉजी में हूँ। PhD का मतलब सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेशन है
अगर आप किसी कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं या एकेडमिकली पढ़ाना चाहते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर एमफिल करना पड़ेगा या पीएचडी देना पड़ेगा। बट मैं क्योंकि अप्लाइड फील्ड में हूँ तो मेरा स्पेशलाइजेशन मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी रहा है, तो मैं पेशेंट्स पे काम करती हूँ, डील करती हूँ उनके साथ। इसके अलावा क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, तो मेरे हिसाब से मेरा जितना दायरा है, डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन है मेरे पास, मैं हर साल एक नया सर्टिफिकेशन करना चाहती हूँ, और इसलिए कि हमारे प्रोफेशन में लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। अगर हम सोच लें कि हमारे पास डिग्री आ गई और अब हम हर केस सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं तो ही आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, बिकॉज पढ़ना आपको लाइफ लॉन्ग पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर नेहा आनंद, और आज हमने इनसे कई विषयों में, स्पेशली मेंटल हेल्थ और उसके सराउंडिंग साइकोलॉजी के विषय में, साइकोलॉजी एज ए करियर के बारे में, इतनी सारी बातें इस सीमित समय में हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचा सकें। आशा करता हूँ कि एपिसोड आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी तरीके से हम नए नए फील्ड्स के इन्फॉर्मेशंस, आपको किस प्रकार से एग्जामिनेशंस को अच्छे तरीके से हैंडल करना, उसके तरीके, ऐसे कई फील्ड के एक्सपर्ट्स जिस विषय में आप नहीं जानते हैं, हमारी कोशिशें होती हैं कि हम आप तक पहुंचाएं। आपको हमारी एपिसोड्स आज तक कैसी लगती हैं, किस प्रकार से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, आप इस विषय में हमें खुल के लिख सकते हैं। और जी हाँ, हम लोग सेशंस जारी रखे हुए हैं और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में हमारे सेशंस चालू हैं। तो अगर आप हमारा ऐसा सेशन देखना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, संपर्क न करना भूलिए हमारे दिए गए नंबरों पर, और देखते रहिए करियर का उज्ज्वल शुभांकर। गुड बाय, टेक केयर।